अच्छा ये कोई लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ तो भाई लोगों कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक हो गया तुम सबका बोको भाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर किसी भी बंदे के साथ मस्ती वगैरह करनी हो या लोगों को एंटरटेन करना हो तो हम पाकिस्तानी कभी भी पीछे नहीं हटते। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानियों के कुछ ऐसी मजेदार वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे। अम्मी आपको पता है आज मुझे एक लड़की देख रही थी। बेटा ये मजाक का टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। तो ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, आप सबने इसे लास्ट तक देखना है। बाकी लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारे सबसे पहले वीडियो क्लिप में इस बच्चे को देखें जो कि आज हमें ये बताएगा कि आखिर लड़कियां मुंह के ऊपर हाथ रखकर अपनी तस्वीरें क्यों बनाती हैं। जिन्हें कुड़िया इतने हाथ रख के सेल्फी ले लिया ना, पता का तो ले लिया खाता निके निके मुछा दिया। और यार ये शादियों पे जाने का मेकअप तो सुना था, लेकिन ये फोतकी पर जाने का मेकअप कौन करता है? और अपने से वैसे ना नोज को ना इस तरीके से पिंक कर लेना है ताकि ऐसा लगे कि आपने रो रो के लाल किए। आईब्रोज आपकी बनी हुई होंगी और अगर नहीं बनी हुई है तो बस इस तरीके से स्कूली से आपने सेट कर लेनी है। अब एक पिंक कलर की पेंसिल ली हमने और इसको ऐसे मल लेंगे हम तो हमारे लिप्स पे टिंटेड हो जाएंगे। ये हमारा फोतकी का मेकअप जो है वो कम्प्लीट हो गया। और अब आप लोग जरा इस बंदे का चारपाई पर लेटने का तरीका भी चेक करें। इसको पता ही नहीं होता कि पीछे खड़े लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं। देख असी भी चास बेचा जे तू छड़ गई फिर केड़ा जीड़ा छड़ा जे तू छड़ गई ता केड़ा पैग। और इन चाचा जी की बात सुने जो कि मजाही अंदाज में ये बता रहे हैं कि आखिर मैंने अपनी भैंस क्यों बेची। डब्बे बेच डब्बा और डब्बे बेच बीड़ा जगह। और इस जगह पर इन पठान भाई को देखें जो कि वजन को बराबर करने के लिए क्या तरीका आजमाते हैं। और इस बंदे को देखें जो कि गधे के ऊपर बैठकर अपने ऑफिस को जा रहा है। भाई इसको सही प्रोटोकॉल देते होंगे इसके ऑफिस वाले। तेरे भूसी नाल के लिए चल ले। प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे ऑफिस से लेट हो रही है। और इस पार्क में आए इस लड़के को देखें जिसके साथ बच्चों वाली स्लाइड लेते वक्त क्या सीन हो जाता है। प्रोग्राम तो वर्ड पहले से आराम है। और पाकिस्तान में गर्मी ज्यादा होने की वजह से ये लड़का अपने दोस्तों को कहता है कि क्यों ना यार अंटार्कटिका घूम के आ जाए। तो दोस्तों फिर दोस्ती होते हैं ना वो बगैर पैसे के इसको पूरा अंटार्कटिका घुमा देते हैं। और पाकिस्तानी तो शाहिद अनवर को अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो आज हम आप लोगों को दिखाते हैं शाहिद अनवर की चाइना कॉपी। दादे शाहिद अनवर दादा कराची शाहिद अनवर जय मलगुरु। और इस रश में कार साहब को ये नजर नहीं आ रहा होता कि आखिर में हुआ क्या है। तो ये देखने के लिए कार साहब तो खंभे पर ही चढ़ जाते हैं। और ये वीडियो देखने से पहले मैं यही समझता था कि ये वाले सीन सिर्फ मेरे साथ ही होते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट में बता कर जाना। बिरयानी कल पकेगी रोज कह के चार दिन टींडे खिलाए हैं अम्मी ने। आहा। और इन लोगों के घर शायद से बिल ज्यादा आता था तो इन्होंने मीटर के नीचे लिखवा खड़ा है कि ये घर सोलर सिस्टम पर है तो लिहाजा रीडिंग एहतियात से करें। और ये चाचा जी आज आपको वोको भाई के चैनल पर ये बताने आए हैं कि आखिर चाय पीने का सही तरीका कौन सा है। चांद का तरीका आज तक नहीं आया यार, मैं चांद का तरीका से अच्छा तरीका। और इस लड़के को देखें जो कि लग तो 11वीं 12वीं जमात का स्टूडेंट रहा है लेकिन ये बैग में क्लास 4 की किताब डाल आया है। और पाकिस्तान में लोग सिम कार्ड ट्रे को अपने मोबाइल से निकालने के लिए सुई बक्सुआ या माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग तो इनको अपने मोबाइल के बैक कवर के पीछे रखते हैं ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। लेकिन जरा इन भाई साहब को देखें जिन्होंने सिम कार्ड ट्रे को अपने मोबाइल से निकालने के लिए सुई के अब्बे को अपने पास रखा हुआ है। और यार पाकिस्तान के मांगने वालों ने मांगने का नया तरीका ढूंढ निकाला। एटीएम में जाकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं खराब दे दे बाबा अल्लाह भला करे अल्लाह हिसाब ही खत्म, निकाल के दो ट्रैक।
और इस महफिल में इस बंदे को देखें जो कि बरियाने के इंतजार में है। मुझे गाना याद पक्का करे चल पक्का करे चल तो जो ही आए। और बरियानी से याद आया इस बंदे को देखें जो कि यहाँ पर बैठा लंगर खा रहा होता है, लेकिन जरा कैमरामैन के काम चेक करें जो कि इसकी वीडियो बनाने के बाद बैकग्राउंड में कौन सा साउंड लगा देता है। रोटी किसे भी हुंदी है ढेलता अपना हुंदा ही नहीं ना, और रोटी वेख के हल्के हो जांदे उड़ा मेरी। और जब मैं अपने दोस्त का व्हाट्सएप पर भेजा हुआ मैसेज तो देख लूं लेकिन उसे कोई रिप्लाई ना दूं तो ले फिर मेरा दोस्त मुझे वापस वीडियो भेजते हुए आई तूने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया। शाबाश शाबाश फेमस हो गया ना अब तू बड़ा आदमी बन गया शाबाश। और इस वीडियो में इस लड़के को देखें जो कि अपने दोस्त के साथ वीडियो बनाने के बहाने इसके साथ क्या शुगर लगा देता है। और इस डांस को आखिर कौन सा नाम दिया जाए ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता कर जाइएगा। हमको ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इस वीडियो में एक पाकिस्तानी भाई के काम चेक करें, जब इनको दरवाजे पर ताला लगाने के लिए नहीं मिलता तो ये सिक्योरिटी के लिए दरवाजे पर गुत लगा जाते हैं। और इन भाई साहब को कार लेने का बड़ा शौक था लेकिन बजट कम होने की वजह से ये अपनी साइकिल को ही कार में तब्दील करवा लेते हैं। और इस वीडियो में इस बच्चे के काम चेक करें जो कि नई के पास आया हुआ है और उसको बोल रहा है कि भाई मुझे कटिंग सोड़ी करके कर दे, मैंने बच्चियां सेट करनी है। क्या करना है? क्या बच्चियां सेट करनी है? और दोस्तों यार इस वीडियो क्लिप में जरा आप लोग इस बंदे के काम चेक करें। और यार आप जरा इस जगह पर इन भाई साहब की ये वाक भी चेक करें। भैया आपकी ये वाली वाक देखने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी बहन भी हो क्या? और इस वीडियो में इन अंकल जी को देखें जो कि देग में किसी चीज को मिक्स करने के लिए घास काटने वाली मशीन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इस वीडियो में लड़कों को देखें जो कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से इस नहर में नहा रहे हैं, लेकिन पीछे खड़े जरा इस पोटरी का भी काम चेक करें जिसने सर्दियों की तैयारी करना अभी से शुरू कर दी है। और इस वीडियो में जरा इन लड़कों के पास सुने जो कि आज हमें ये बताएंगे कि आखिर जो औरतें होती हैं वो कम फोत क्यों होती हैं। औरतें घट की उम्र देन औरतें तो यो पता ही क्या नहीं औरतें करें नींद का काम कर फरिश्ता आंदे देख वेंदे ओ दे रात दा तिंदा रूह कब्ज करने ते औरतें रात दा करीम ला पोने जे फरिश्ता आंदे ओ दे ए तो नहीं। और इस जगह पर भरातियों को देखें जो कि दूल्हा के साथ क्या सीन कर देते हैं। और यार आप जरा इन पहलवान साहब की ये बात सुने कोई मेरे ते भी मर जाओ के सारियां ने महंगाई नाल ही मरना है। भाई हो सकता है वो महंगाई की वजह से बच जाए, अगर वो आपके पास आ गई तो उन्होंने 100% नहीं बचना। बिरावा टेंशन नहीं लेनी, ये शुगर मेरा लगता रहा सी ऐसा तेरी वर्गी एक और लभ रही है, अगर पसंद आ जाए तो दस दियो। और यार रात को मैं सिद्धू मूसे वाले का सॉन्ग डाउनलोड कर रहा था तो वो अचानक 20% पे आके अटक गया, तो सुबह उठकर जब मैंने सुना तो वो कुछ इस तरीके का था। सिद्धू गुस्से वाला सारे वांग साड़ियां ने ब्लैक लिस्ट के अधिकारा ने असे अंडरग्राउंड बंदे ऊपर तक मारा ने असे आज दे राजे हां साडा पता नहीं कल दा। उड़ियाड़ी स्टूडियो क्लिप में जरा ये कमाल का कैच भी चेक करें, कैच तो इनका भाई टैट था लेकिन पकड़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। और यार आईफोन ने जो आईफोन लॉन्च किया ना 11, 12, 13, 14, 15, 16 वो सब 3 कैमरे वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने 4 कैमरे वाला आईफोन निकाल दिया, जरा आप लोग ये चेक करें। और यार जो पकवान होते हैं ना वो देग में घी कुछ इस तरीके से डालते हैं।
इस पकवान को देखें, जब ये इस तरीके से देग में घी डालने लगता है तो देखें इसके साथ क्या सीन हो जाता है। सो वेल तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके।